नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। इस मौके पर भारत सरकार सभी खिलाड़ियों को उनके खेल के आधार पर पुरस्कार से नवाजती है। कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल सेरेमनी में सभी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अवार्ड दिया। कुल 5 खिलाड़ियों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। यह पहला मौका है जब एक साथ इतने खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इस वर्चुअल इवेंट में कुल 65 एथलीटों को पुरस्कृत किया गया है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।